नमस्कार साथियों, आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग में हम आप लोगों को बताएंगे, खेत में आज हम लोग जा रहे हैं कीटनाशक छिड़काव करने के लिए। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको हम कीटनाशक का कैसे छिड़काव कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसा मौसम है। तो बने रहिए ब्लॉग में। अब पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग निकल रहे हैं खेत के लिए। अब हम लोग निकल चुके हैं गांव के बाहर, रास्ते से हम लोग जा रहे हैं छिड़काव करने के लिए। धूप तो आज बहुत हो रही है, लेकिन मौसम भी काफी सुहाना लग रहा है। हम लोग पहुंच चुके हैं खेत के पास, यहाँ पे करेंगे पानी के साथ दवा का मिलान, उसके बाद करेंगे छिड़काव। अभी हम लोग पानी भर रहे हैं, टैंकर में पानी भरेंगे। यही वो कीटनाशक दवा है जो कि इफको कंपनी का सागरिका है, तो इसको पानी के साथ मिलाएंगे। इसके साथ एक और प्रोडक्ट है जो कि इफको का ही है, जो ये है, ये यूरिया है, इसके साथ इसको मिला के छिड़काव करना है। टैंकर में पानी भर के भी हम लोग दवा को मिला रहे हैं पानी के साथ। मिलाने के बाद इसका करेंगे छिड़काव। तक बने रहिए ब्लॉग में, जाते हैं। पिछले ब्लॉग में मैंने जब आपको दिखाया था तो धान काफ़ी छोटा छोटा था, जब हम लोग यूरिया देने के लिए आए थे इसमें। तो अब तो धान के मतलब बाल भी निकल आए हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं आपको आगे। Thank you.
सीनरी अब हो गया खेत में कीटनाशक का छिड़काव। तो आशा है ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। धूप भी काफ़ी हो रही है जिसके वजह से, तो ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटे वाले निशान को भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।